वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये एस्ट्रल पाइप का हमने यूज़ किया है। 2 इंची की लाइन है, देखिए दोस्तों 2 इंची इस पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए 2 इंची की मेन लाइन हमने टैंक से उतारी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि 2 इंच की मेन लाइन हमने उतारी है और ये हमारी लूप लाइन है। आप इसके आगे देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये वाल लगे हुए हैं सारे, ये देखिए 5 वाल हमने यहाँ पे लगाए हैं दोस्तों। ये देखिए 2 सवा के वाल हैं सारे, ये 2 इंच की मेन लाइन होगी, 1.25 इंच का उसमें से हमने सप्लाई लाइन ले ली है दोस्तों। तो ये 5 जो सप्लाई लाइन दिख रही हैं दोस्तों आपको, ये अलग अलग बाथरूम की अलग अलग सप्लाई लाइन है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखा दूं पहले एक बार यू टर्न लेके, ये देखिए 2 इंच की पूरी हमने क्लैम मार के, ये देखिए दोस्तों क्लैम चैनल पत्ती लगा के उस पर हमने टाइट किया है। देखिए लाइन को कोई हिला भी नहीं सकता दोस्तों, ये देखिए इतनी मजबूत चल रही है, क्लैम्प हमने किया है क्लैम्पिंग। इसके आगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए 2 लाइन हमने यहाँ से ली हैं दोस्तों, जो डाउन हो रही हैं इसके वाल भी हमने यहीं पर दे दिए हैं। और इसी तरीके से पूरी लाइन देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरी लूप लाइन हमने बाउंड्री वॉल की आउटर लाइन पे हमने घुमाई। देखिए दोस्तों जहाँ कॉलम आए हैं हमने वहाँ 45 डिग्री का यूज़ किया है। देखिए दोस्तों 45 डिग्री लगाने के बाद देखिए हमने कोने में भी हमने 45 डिग्री से ही इसको ले लिया, और यहाँ पर ला के दोस्तों ये देखिए 2 वाल जैसा कि आप देख सकते हो कि अपने यहाँ दिए हैं, वाल चालू हैं। 2 इंची की एल्बो है, एल्बो के बाद हमने बुश लगा लिया, इसको बुश लगा के 1.25 इंची की लाइन कर ली है। तो ये 2 लाइन हमने 1.25 इंची की यहाँ से उतार दी हैं, ये जो पीछे बैक साइड के बाथरूम के लिए हो जा रही हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बने रहें, काम की वीडियो है आज। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ऊपर जो हमने वॉल लगाए थे दोस्तों, वो यहाँ से पूरी लाइन से उतरी हुई हैं सारी, ये देखिए आप। ये हमने सीलिंग में लाइन ले कर दोस्तों, ये इधर के किचन की सप्लाई के लाइन यहाँ से हमने 1.25 इंच की निकाल दी है पूरी। और ये जो लाइन और आपको दिख रही है दोस्तों, ये जो लाइन आपको डाउन दिख रही है नीचे के फ्लोर्स पर जा रही है दोस्तों, लाइन ये 4 लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये नीचे के फ्लोर्स पर जा रही है दोस्तों। ये एस्ट्रल पाइप का हमने यूज़ किया है सब, 11 SDR का आप देख सकते हो, सारे पे 11 SDR है। और इधर देखिए दोस्तों, ये सीलिंग में हमने लाइन को हमने लिया है, ये लाइन जो है दोस्तों ये देखिए, ये इस वाले बाथरूम में हमने ले लिए हैं लाइन्स को घुमा के दोस्तों। देखिए हमने ये लाइन ले ली है, यहाँ से हमने पूरे फिटिंग करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया। यहाँ पे हमारा डाइवर्टर आएगा, गर्म की और ठंडे की लाइन को आपस में जोड़ दिया जिससे वाटर टेस्टिंग दोनों की एक साथ हो जाएगी। ये देखिए इधर गीजर का पॉइंट बना दिए, और ये जो 2 लाइन्स आई हैं दोस्तों हमारी, ये वॉश बेसिन के लिए आई हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने सब जगह लाइन्स ली। ऊपर आउटर पे जो दोस्तों आपको लूप लाइन दिख रही है, देखिए दोस्तों मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये हमने मेन लाइन्स इस तरीके से उतारी हैं दोस्तों। ये देखिए ये नीचे तक उतर गई हैं, ये दोनों किचन की सप्लाई लाइन है दोस्तों, ये नीचे तक चली जाती हैं। ये देखिए ये हमने 2 इंच की लाइन उतारी है दोस्तों। ये देखिए वहाँ से ये लाइन कटिंग में आई थी, यहाँ पर आई हैं दोस्तों। देखिए यहाँ में हमने सारी 45 डिग्री का ज़्यादातर यूज़ किया है, और ये लाइन पूरी हमारे नीचे वाले फ्लोर पे आ गई है। और यहाँ से अब हर बाथरूम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने देखी दोस्तों, इधर बाथरूम है इसकी लाइन इधर से अलग निकाल दी है, और इधर बाथरूम है यहाँ से इसकी लाइन अलग ली है दोस्तों। सारी लाइन सीलिंग में लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई लीक हो रहा है टैंक या कुछ भी होता है लाइन, अगर वो होती है तो यहीं से ही सीलिंग के अंदर से वो रिपेयर होकर जल्दी निकल जाती है। ये देखिए दोस्तों ये हमने उतार दिए, यहाँ से इसकी शाफ्ट अलग है, और इस लाइन से हमने इस बाथरूम की फिटिंग कर दी दोस्तों। ये देखिए इसी तरीके से मैं आगे दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों हमने जो लाइन ली थी इसी तरीके से हमने किचन की फिटिंग कर दी है। और जो बैक साइड से लाइन आई थी दोस्तों, देखिए ये लाइन आई थी वो हमने इसी से गीजर के पॉइंट बना दिए दोस्तों। ये देखिए ये वाली लाइन आई थी टैंक वाली, यहाँ आके देखिए अंडर काउंटर किचन की फिटिंग हो चुकी है, यहाँ पे गीज़र के पॉइंट बन चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, और इसमें एक जो 6 इंची का पाइप आप देख रहे हैं, ये हमने एग्जॉस्ट के लिए चिमनी का पाइप डाल दिया है दोस्तों। ये सारी 1.25 इंची की लाइनें हैं, ये 2 इंची से हमने मेन लाइन ली है, 1.25 इंची की लाइन हमने रिंग लाइन घुमाई है, और 1.25 इंच से हमने फिटिंग की है जिससे हमारा फ्लो बेहतर बनता है दोस्तों। ये देखिए, तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएँ। धन्यवाद।